हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक खूबसूरत सी छोटे से कान्हा जी के लिए ड्रेस लाए हैं, 0 से 2 नंबर तक के कान्हा जी के लिए। ड्रेस के लिए हमने 2 कलर यूज़ किए। सबसे पहले रेड कलर से हम 12 चेन बनाएंगे ड्रेस की, चोली की शुरुआत करने के लिए। ये एक फाउंडेशन स्टिच, फिर 12 चेन हमने कर ली। 12 चेन के बाद 2 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये 12 चेन हो गई। फिर ये 12 चेन के बाद हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये देखिए 1 और 1 2। फिर हमारे फंदे, जो तीसरा वाला फंदा है, उसमें एक हम डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। ये पहली रो है। फिर अगले स्टिच में एक बार डबल क्रोशेट, सभी 12 स्टिचेस में हम 12 डबल क्रोशेट इसी तरह से बनाएंगे। 11 बनाएंगे कि एक तो हमारी चेन हम पहले से ही बना चुके हैं 3 चेन वाला। इस तरह से हमारे 12 डबल क्रोशेट, जिसमें से 11 डबल क्रोशेट है और 1 चेन वाला वो है। फिर हमने 3 चेन बनाई और इसी स्टिच, सेम स्टिच में हम एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस रो में हमें हर स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशेट बनाना है। अगली स्टिच में गए, अगली स्टिच में भी 2 बार बनाएंगे। सभी स्टिचेस में 2-2 बार बनाने पर 12 स्टिच के ऊपर टोटल 24 यानी 24 स्टिचेस आ जाएंगी। ये देखिए डबल क्रोशेट हमें टोटल 24 रखने हैं सेकेंड रो के अंत तक। सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, 24 स्टिच हो गए हैं। फिर से हम 3 बार चेन बनाएंगे और वर्क पीस को पलट के फिर इसी स्टिच में ना करते हुए अगली स्टिच में एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उसकी अगली स्टिच में एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से 4 लगातार स्टिचेस में 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी हमारे पास कहीं भी डबल नहीं किया है, 4 ये स्टिच डबल क्रोशेट हो गए हैं। इसके लिए नीचे की 4 स्टिचेस यूज़ किए हैं। फिर नीचे की 4 स्टिच छोड़ के 5वीं स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए 5वीं स्टिच में हमने 4 स्टिच जो छोड़ी हैं वो हमने आस्तीन के लिए छोड़ी हैं। इसी तरह अब लगातार हम बैक पोर्शन के लिए 8 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, वो भी 8 स्टिच अलग अलग स्टिच में, यानी किसी में भी 2 बार डबल क्रोशेट नहीं बनेगा। ये देखिए 8 बार हम डबल क्रोशेट पीछे की तरफ बना ले रहे हैं। फिर हम 4 स्टिच छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 स्टिच ये छोड़ दी और 5वीं स्टिच में फिर से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा आस्तीन बन गई है। इस तरह से फिर हर स्टिच पे एक बार करते हुए डबल क्रोशेट, हमारे पास 4 डबल क्रोशेट आ जाएंगे। ये देखिए ये चौथा डबल क्रोशेट। इस तरह से 4, 8 और 4 का ग्रुप बन गया है आस्तीन बनाने के लिए। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों एंड्स को स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ये देखिए ये स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ दिया, ये चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम घेर वाला पोर्शन बनाने के लिए जाएंगे। घेर वाले पोर्शन के लिए हमको ये रेड ऊन अब नहीं चाहिए होगी, अब हम वाइट ऊन यूज़ करेंगे। वाइट ऊन को हम एक फंदा सबसे पहले इसमें से निकाल लेंगे यूँ, और रेड ऊन को खींच के कस देंगे। आप चाहे तो गांठ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर 3 बार चेन बनाई, 1, 2, 3 चेन बनाई और जिस स्टिच में ये जोड़ा गया है यानी बीचों बीच में, इसी जगह से हम 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशेट। एक बार तो चेन वाला ही गिन लेंगे और 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, यानी टोटल 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे और 1 हमारा चेन वाला काउंट होगा। 3 हो गए और ये फिर अंत में चौथा, ये जो धागा वाइट वाला एक्स्ट्रा है इसको हम दबा देंगे इसी स्टिचेस के बीच में। फिर 1 बार चेन बनाएंगे, ये यहाँ पे 4 स्टिच होने के बाद 1 बार ये चेन बनाई। फिर नीचे से 1 स्टिच छोड़ते हुए अगली स्टिच में यहाँ पे हम फिर से 4 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 1 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया। अब यहाँ पे टोटल 4 बार ही बनाएंगे, 3 बार और ये चौथी बार। 4 बार डबल क्रोशेट हो गया। फिर हम फिर से 1 बार चेन बना लेंगे और फिर 1 स्टिच छोड़कर अगली स्टिच में 4 बार डबल क्रोशेट। पूरी रो में हमें यही करना है, 1 चेन, 4 बार डबल क्रोशेट 1 स्टिच छोड़ के, पूरी रो इसी तरह से हमारी बनती जाएगी। 1 स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में करना है, बस क्रम हमें याद रखना है। चेन हर 4 डबल स्टिच के बीच में रहेगी, इस तरह से पूरे में हमें करते हुए जाना है।
इस तरह से ये लाइन भी हमने पूरी कर दी है। अब अंत में स्लिप स्टिच की मदद से पहले एक चेन बना लिया और स्लिप स्टिच की मदद से ये दोनों एंड्स को जोड़ दिया। अब अगली रो बनाने के लिए जहाँ पर तीन चेन बनाएंगे यहीं पर और इसी होल में से हम चार बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक बार हमारी चेन वाला गिना जाएगा और तीन और डबल क्रोशेट हमें बनाने हैं। ये दो हो गए और ये लास्ट का तीसरा, यानी टोटल चार डबल क्रोशेट इस होल में हो गए। इस रो में हम दो चेन बनाएंगे, ये दो चेन बन गई, और अगले वाले होल में जाकर फिर से चार बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये दो बार बन गया है और फिर तीन और चार ऐसे ही, पहले चार कंप्लीट कर ले। ये तीसरा वाला बन रहा है, इसके बाद अंत में चौथा। फिर हम फिर से दो चेन बनाएंगे, एक दो, और फिर से अगले होल में जाकर चार बार डबल क्रोशेट बना लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये दूसरी रो है, इसे इसी तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। दो बार चेन और फिर चार बार डबल क्रोशेट, यही क्रम हर इस रो में हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गई सेकेंड वाली। अब एंड में हम स्लिप स्टिच की मदद से इस सर्किल को कंप्लीट कर देंगे और फिर पहले चेन बना लेंगे दो, क्योंकि हमें इस रो में लास्ट में दो चेन ज़रूर बनानी है। फिर स्लिप स्टिच बनाएगा, ये बन गया। अब फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, इतने लंबा कम से कम हमें घेर चाहिए, दो रो और बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच कर ली हमने, अब हम तीन बार चेन बनाएंगे, एक दो तीन बार चेन बनाएंगे। अब की बार हम इस होल में पांच डबल क्रोशेट और बनाएंगे, यानी एक चेन का और पांच डबल क्रोशेट, यानी छह डबल क्रोशेट इस रो में हमें हर उसमें चाहिए है। और चेन छह डबल क्रोशेट के बीच में सिर्फ एक ही रहेगी। ये देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये पांच बार डबल क्रोशेट बन गया, ये टोटल छह गिने जाएंगे। एक चेन बनाई और अगले होल में जाकर फिर से छह बार डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक दो, इसी तरह छह बार डबल क्रोशेट बना के, और हर छह डबल क्रोशेट के बीच में सिर्फ एक चेन रहेगी। और डबल क्रोशेट अगले होल में इस तरह से एक बार चेन हो गई, अगले होल में गए और छह बार डबल क्रोशेट बना लेंगे। पूरे रो में ऐसे ही हमें करना है। ये तीसरी रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब एंड में जाकर स्लिप स्टिच की मदद से दोनों एंड्स को जोड़ लेंगे इस तरह से। अगली रो में हमें छह डबल क्रोशेट और दो चेन का हिसाब रखना है, यानी हर होल में छह डबल क्रोशेट बनेंगे और दो चेन बीच में होंगी। ये हमने पहले एक स्लिप स्टिच से बीच में ले आए और उसके बाद तीन चेन बनाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच बनानी है पहले, फिर अब एक दो तीन चेन बना के और इसमें पांच बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे, और फिर अब की बार दो चेन बनाएंगे। लास्ट रो में एक चेन थी छह डबल क्रोशेट के बीच में, इसमें यहाँ पर दो होंगी। हर होल में छह डबल क्रोशेट बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है। ये फोर्थ रो है। अब हम दो चेन बनाएंगे, एक दो, और अगले होल में जाके फिर से छह डबल क्रोशेट। पूरा सर्किल हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। तीन चार पाँच और ये छठा, इस तरह से छह डबल क्रोशेट होके फिर दो चेन और फिर अगले होल में, ऐसे ही रो कंप्लीट हो जाएगी चौथी रो हमारी। इस तरह से हमारा ये चौथा रो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एंड में दो चेन बनाकर जोड़ देंगे दोनों एंड्स को इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से, और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करते हुए धागे को तोड़ना है, पर अभी हम धागा तोड़ेंगे नहीं, इसने खींच के अलग कर दिया है। ये जो रेड वाली ऊन है इसको अब हम ऊपर की तरफ एक फंदा बनाते हुए लाएंगे।
यहाँ इसमें इंसर्ट किया हुक और उसमें एक ऊन फंसाई और खींच लिया, फंदा जैसा हमें बनाना है। यूं करके ये फंदा बन गया। अब यहाँ पर हमें तीन चेन बनानी है, एक दो दो, तीन चेन बनाई। और ये बीचों बीच में जो फोर वाला डबल क्रोशेट का ग्रुप है इसके बीचों बीच में जाके स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ दी। फिर तीन चेन बनाई हमने, एक दो तीन, और बेस में जो एक स्टिच छोड़ी थी शुरू में उसमें जाकर हमने स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ दी। फिर हमें तीन चेन बनाकर तीन चेन बनाकर हमें बीचों बीच में यहाँ फोर अगले फोर वाले ग्रुप के बीच में डालना है, स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देना है। फिर तीन चेन और फिर बेस में जोड़ना है। पूरी लाइन में हमें इसी तरह से तीन चेन डबल क्रोशेट के ग्रुप के बीचों बीच में जोड़ना है और फिर हमने तीन चेन बना के बेस पे जोड़ना है। पूरा क्रम यही रहेगा हमारा इस रो का। ऐसे ही हमें ये रो कंप्लीट करना है वीवी आकृति बनाते हुए। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड में हमने यहाँ पे बेस पे जोड़ा है। फिर अगली रो पे जाने के लिए हम फिर से एक बार तीन चेन बनाएंगे। ये तीन चेन बन गई और यहाँ जहाँ बीचों बीच में एक बार जुड़ा हुआ है वहीं पे एक बार फिर से जोड़ देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। अब हम यहाँ पर तीन चेन के बजाय चार चेन बनाएंगे। दो तीन चार, चार चेन बना ली। और यहाँ पर भी जो चार का जोड़ा है इसके बीचों बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर से चार चेन बनाएंगे। यूँ चार चेन बन गई। और बेस पे यहाँ पर जो वी आकृति की शुरुआत है यहाँ पर इसमें जाकर जोड़ देंगे। ये जुड़ गया। फिर से हम चार चेन बनाएंगे। इस रो में हमें यही क्रम रखना है, चार चेन बनाना है और उसके बाद जो चार वाला डबल क्रोशेट का ग्रुप है थोड़ा सा अटक गया है यहाँ पे, फिर से जोड़ेंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच। वाइट वाले धागे के नीचे से ऐसे करते हुए स्लिप स्टिच बनानी है। फिर से हम बनाएंगे एक दो तीन चार चेन और ऊपर वाले हिस्से में जोड़ेंगे जो चार का ग्रुप है उसके, इस तरह से ये जुड़ गया। पूरी रो में इस तरह से बनाते हुए जा रहे थे। चार चार चेन का ग्रुप बनेगा और उसे वी आकार बनाते हुए जोड़ना है पूरे में इस तरह से। इस तरह से हमने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली और एंड में जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ पर जाके इसे स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ दिया। और फिर से ये देखिए इस तरह से ये आकार पूरा हो गया। जहाँ हम शुरू करते हैं वहाँ पे हमें डबल एक बार करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए डबल बार हमारा हो जाएगा। यहाँ चार बार हमने चेन बनाया, ये देखिए चार बार, और उसके बाद इसे फिर ऊपर वहाँ जाके जोड़ दिया। अगली रो में हमें पांच बार चेन बनानी है और सेम इसी तरह से जोड़ना है वी वी बनाते हुए। अब देखिए एक दो तीन चार पांच चेन बनानी है और यहाँ पे छह हमारे डबल क्रोशेट है, यानी तीन एक तरफ और बीच में हम अपना ये इंसर्ट करेंगे हुक को। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाई। फिर से हमने पांच चेन बनानी है। यू पांच चेन बना के बेस पे जोड़ेंगे। बस हर बार अब हमें एक एक चेन बढ़ा देनी है। ढंग वही है हमारा, वी बनाना है हमें हर बार। नेक्स्ट इस रो में भी हम ऐसे ही करेंगे, वी बनाते हुए पूरे में जाएंगे। नेक्स्ट रो में छह चेन के साथ बनाएंगे। ये देखिए बीचों बीच में एक बार ऊपर जोड़ते हैं, फिर पांच चेन लगाते हैं और जो बेस पे हमारा बी का टॉप है यहाँ पे जोड़ते हैं। अगली रो में भी हम छह के चेन के साथ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए
वी आकार पूरे में हमें ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए ये रो भी कंप्लीट हो गई। हमने फिर 5 चेन बना के रखी है, बेस पे यहाँ पे अटैच करेंगे हम इसे यू स्लिप स्टिच की मदद से ये, और फिर से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना के वहीं पर ही पहली बार जहाँ पे वी बना है वहीं पे जाके इसे अटैच करना है, जैसा कि हर बार हम कर रहे हैं। यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे और अगली रो में भी सेम ऐसे ही 6 चेन के साथ करेंगे। ये देखिए फिर हमने 6 चेन बनाई और टॉप पे यहाँ पे तीन तीन के बीच में इस तरह से जोड़ दिया, ये हो गया। फिर बनाई हमने 6 चेन और बेस पे अटैच किया। पूरी रो में ऐसे ही करना है हमको एंड तक। एंड में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर करेंगे, वो क्या करेंगे वो आपको हम दिखाते हैं। इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे हम। पूरी रो ऐसे कंप्लीट करेंगे 5-6 चेन के साथ। एंड में क्या करना है वो अब हम आपको दिखाएंगे। इस तरह एंड तक हमने बना लिया है। अब 6 चेन भी बना ली है। यहाँ बेस में जैसे अटैच करते हैं, बेस में अटैच करते टाइम ये जो बीच में एक वाइट की चेन दिख रही है इसको भी साथ में अटैच कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर एक स्लिप स्टिच बना के यहाँ धागा हमें कट करके वीप कर लेना है। ये याद रखना है एंड में जो वाइट रंग की चेन दिखती है उसको भी हम साथ में ही इसमें जोड़ लेते हैं। अब इसको वीप कर लेंगे, जहाँ भी जो धागे हैं उसे साथ में वीप करके इस तरह से बन रहा है। इस तरह से ये ड्रेस कंप्लीट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक